हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। मेरी कंपनी है rudraksha.life.com। तो दोस्तों, आज मैं आपको रुद्राक्ष के लिए कुछ बताऊंगा। इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसमें असली और नकली का बहुत चक्कर है। लोगों को पता ही नहीं है कि नकली क्या होता है, असली क्या होता है। बस वो ले रहे हैं, दे रहे हैं, स्टोरीज चल रही हैं सारी। और मैं उन स्टोरीज में तो नहीं जाऊँगा कि ये कहाँ से आते हैं। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि इसका बहुत बड़ा रिलेशन है शंकर भगवान से। इसमें इनॉर्मस पावर होती है और इसको सलीके से पहना जाता है। इसमें काफ़ी एनर्जीज होती हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। इसमें स्टोरीज जो मैं शुरू करता हूँ नकली और असली की। लोग कहते हैं कि आप किसी रुद्राक्ष को दो कॉपर के कॉइन के बीच में रखोगे तो घूमने लग जाएगा। तो साहब, इसको समझ लीजिएगा, ये ग्रेविशनल पावर होती है और इट्स ए ग्रेविशनल टूल। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये ग्रेविशनल पुल के कारण होता है। आप किसी भी दो कॉपर के राउंड पीसेस के बीच में कुछ इस तरह का कुछ लगाएंगे तो घूमेगा। ये खाली रुद्राक्ष के ऊपर नहीं है, ये एलो है बेसिकली। तो आप उनकी बातों में बताइए। दूसरा एक इसमें और धारणा है कि जैसे हम पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा और वो नहीं डूबेगा, तो ये सब बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं। ये पहले चलता था जब टेस्टिंग की मशीनें नहीं हुआ करती थी, एक्सरे नहीं होता थी। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें कच्चा रुद्राक्ष होता है, पक्का रुद्राक्ष होता है। तो कच्चा नहीं डूबता है, पक्का डूब जाता है। या जैसे मान लीजिए आपने कोई ओरिजिनल रुद्राक्ष पहना और वो समय के साथ ना जैसे उसको एनर्जी लगेगी हमारी बॉडी की, वो अपनी एनर्जी भी छोड़ेगा और वो थोड़ा थोड़ा पसीने भी आते हैं तो थोड़ा सा आप डार्क कलर का हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा बेसिकली। उसको डालेंगे डूब जाएगा। तो ये जो स्टोरीज है ना, इसमें आप बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे बढ़िया काम होता है कि आप किसी अच्छी सर्टिफाइड दुकान से लें और उसमें भी अगर आप हो सके इसमें एक्सरे जो कराता है बेसिकली वहाँ से लें। हर रुद्राक्ष में बीज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक रुद्राक्ष लेता हूँ तो इसके अंदर जैसे आप देखते हैं इसमें निशान होते हैं। हम बोलते हैं एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, 18 मुखी, 21 मुखी, व्हाटएवर जो भी मुखीज होते हैं। मुखी क्या होते हैं, इसमें बीज होते हैं अलग अलग मुखी के हिसाब से। अब इसमें भी सावधान, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि उसको काट के उसके मुखी बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, बना देते हैं। और उसमें अगर आप थोड़ा सूंघेंगे तो उसमें स्मेल भी आएगी थोड़ी, कुछ कोई फिक्स या किसी चीज़ की। और या फिर उसमें कुछ कलाकारियाँ इतनी ज़्यादा होने लग गई है, बाहर से भी सामान इस तरह का आता है। नेपाल का रुद्राक्ष इसमें सबसे अच्छा मानते हैं, इंडोनेशिया से भी आता है, इंडिया से भी आता है, और भी बड़े सारे सोर्सेज हैं। नेपाल की अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सारे रुद्राक्ष नेपाल से नहीं आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको इस तरह का कुछ आपको समझना हो तो आप मेरे से डायरेक्टली आ सकते हैं। जेम माइंस हमारी कंपनी है करोल बाग में। रुद्राक्ष की आपको सारी रेंज भी मिलेगी, जेन्युइन भी मिलेगा, और आप अपनी चीज़ दिखा के आप चेक भी करा सकते हैं कहीं ना कहीं, और आपको रीजनेबल भी मिलेगा। मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।